हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन इन्वेस्टमेंट एकेडमी गुड मॉर्निंग आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है पहले ग्लोबल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे फिर कुछ सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ एंड फिर कुछ लास्ट में स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे इंडिया स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक ऑफकोर्स अब मेजरली रिजल्ट सब जो हैं ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं अब रिजल्ट तो नए नहीं, नहीं आ रहे हैं ज़्यादा कुछ कुछ अर्निंग कॉल्स वगैरह बची हैं एनी वेज हमारी री भी है बिकॉज रिजल्ट नाउ आर क्लोजिंग तो हम वी यू नो हम पूरा डिटेल्ड मॉडल पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं राइट right? और ट्वेंटी फिफ्थ को हमारी रीबैलेंसिंग है राइट आई एम श्योर यू गाइज इफ़ यू आर अ मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर यू आर लुकिंग फॉर्वर्ड टू इट अगर आप नहीं हैं अभी तक तो रीबैलेंस बैलेंस ये कूपन कोड चल रहा है विद फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट ऑन ओनली ऑन मॉडल पोर्टफोलियोज नथिंग एल्स ओनली ऑन मॉडल पोर्टफोलियोज करंटली री बैलेंस कूपन कोड चल रहा है इन फॉर दिस वीक तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया है और सब चेंजेस देखना चाहते हैं कि मॉडल पोर्टफोलियोज में क्या क्या हुए हैं विच विल बी लाइव ऑन ट्वेंटी फिफ्थ टू डू यूज दैट कूपन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज एक इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है ठीक है तो बात करते हैं ग्लोबल न्यूज की सबसे पहले तो इंडिया इज uh, इंडियन मार्केट इज आल्सो ऑन ऑल टाइम हाई पे अभी ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास निफ्टी चल रहा है राइट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ही है यूएस मार्केट्स हैव ऑल्सो कम बैक टू ऑलमोस्ट नियर ऑल टाइम हाई तो एस एन पी फाइव हंड्रेड भी वहाँ पर ऑलमोस्ट फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जो कि ऑल टाइम हाई की के बहुत नियर है वो टच कर गया है ठीक है तो अगेन एक दो मतलब इंडिया के हिसाब से अगर देखें तो दो बड़े हिकअप्स ग्लोबली भी आए थोड़े बट एक इंडिया में जो आया वो जून फोर्थ को आया उसके बाद जो रिसेंट एक डाउनफॉल आया वो आया येन कैरी ट्रेड का दोनों से मार्केट रिकवर कर गया है यूएस में एक आया कि भाई वहाँ पर एक थोड़ा सा डाउनफॉल आया बिकॉज कि एक्सपेक्टेड था कि भाई रिसेशन uh, आने वाला है क्या उसकी बात भी अब ख़त्म हो गई है ठीक है तो दिस इज़ हाउ लाइक आप देखिए सेंटीमेंट्स और मार्केट में कम्युनिकेशन कितनी फास्ट चेंज होता है राइट right? जस्ट मैं कह रहा हूँ पंद्रह बीस दिन पहले की बात है तो इतना ज़्यादा ये डिस्कशन हो रहा था कि रिसेशन आने वाला है यूएस में रिसेशन आने वाला है इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट कट हो सकते हैं राइट right? और ये सब चीज़ों की बात चल रही थी कि ये सब नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं और अचानक से रिसेशन की बात कंप्लीटली ऑफ हो गई है मार्केट में उससे पहले वो येन कैरी ट्रेड के ऊपर वीडियो वगैरह भी बनाए हमने कि क्या होता है उसके ऊपर कितना डिस्कशन हुआ और तीन चार पाँच दिन बिल्कुल बाहर है वो अभी डिस्कशन से एंड अगेन द मार्केट्स आर बैक At top, right? So you understand कि how this whole communication changes so fast और ये long term investors को कितना ज़्यादा नुकसान कर सकता है अगर हम इस चीज़ों pe ज़्यादा focus करें isliye हम इन सब चीज़ों को बस देखते हैं ठीक है is pe react नहीं करते हैं ठीक है सेंट्रल बैंकर्स जो यू में चल रहा है जैक्सन होल्ड करके वहाँ पर इकोनॉमिक सिम्पोजियम होता है राइट उसमें फ्राइडे को Uh, जो जेरमी पॉल हैं फेड जो चेयर हैं चेयरमैन हैं सपोज टू स्पीक तो मार्केट इज़ लिटिल बिट वेटिंग कि अगर क्यूज़ कुछ मिलते हैं इंटरेस्ट रेट लोज़ के कुछ पाथ क्लैरिटी देता है यूएस फेड तो उसके ऊपर थोड़ा सा मार्केट एक ऑप्टिमिज्म चेक वहाँ पर जो है मार्केट करना चाह रही है और शायद उसके ऊपर थोड़ा बहुत एक रिएक्शन आ सकता है हाउ द कमेंट्री इज़ देयर ऑफ यूएस फेड इन द ऑन फ्राइडे ठीक है सो दिस इज हाउ द मार्केट्स आर एज अ सेट मार्केट्स हैव बीन डूइंग वेल लगातार ऑलमोस्ट वन वीक से यूएस मार्केट्स आर गोइंग अप क्रूड ऑयल जो है वो गिर रहा है ये एक पॉजिटिव न्यूज है स्पेशली फ्रॉम इंडिया परस्पेक्टिव राइट और क्यों गिर रहा है तो अब देखो तो एक तो रीज़न ये है कि ऐसा माना जा रहा है कल एटलीस्ट जो न्यूज आ रही है कि गाजा में सीज़ फायर इज ऑलमोस्ट मतलब डन डील टाइप्स लग रहा है यूएस हैज़ ब्रोकर द सीज़ फायर इन गाज़ा तो अगर एक वहाँ पर जो ये टेंशन वॉर टाइप चल रहा है वो अगर कम होता है तो एक मिडिल ईस्ट में थोड़ी टेंशन कम होगी राइट जिसकी वजह से एक एलिवेटेड थोड़े प्राइसेस चल रहे थे नेगेटिव न्यूज़ तो बहुत सारी है नेगेटिव न्यूज़ अगर हम देखें तो चाइना मार्केट इज़ नॉट डूइंग वेल यूरोपियन यूएस यूएस मार्केट्स ग्रो ज़्यादा नहीं कर रही है तो ग्लोबल इकोनॉमीज़ आर नॉट ग्रोइंग एक्सेप्ट इंडिया तो उसकी वजह से जो डिमांड है क्रूड की वो एक्सपेक्टेड नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी राइट और सप्लाई पे भी लगातार कट कर रहा है जबकि ओपेक तो सप्लाई भी कट हो रहा है डिमांड भी नहीं बढ़ रही है तो उसकी वजह से एक्चुअली ऑयल शुड हैव गॉन डाउन बट ये जो दो दो वॉर्स चल रहे हैं एक मिडिल ईस्ट में और एक रशिया यूक्रेन इसकी वजह से एक एलिवेटेड प्राइस पे चल रहा है और एक सप्लाई कट्स की वजह से तो अगर इसमें से कुछ भी चीज़ें जैसे जैसे सॉल्व होती हैं राइट तो ऑयल कैन गो डाउन इवन further. ये समझना है हमें तो अभी वो सेवनटी सेवन पे है अगर ये जैसे ही चीजें आई क्योंकि चाइना का भी डिमांड वे हो रहा है मार्केट पे क्योंकि चाइना इज मतलब एक्सपेक्टेड जितना है उससे कम कंसिस्टेंटली उसका जीडीपी परफॉर्मेंस आ रहा है राइट तो ये सारी चीजें जो है वो ऑयल मार्केट पर और ये ऑयल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर राइट बिकॉज वी आर ए बिग इंपोर्टर और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत बड़ा इसके फैक्टर है तो अगर ऑयल कम होता है तो डेट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर लॉट ऑफ कंपनीज इन इंडियन मार्केट एंड ओवरऑल ऑन आवर इन्फ्लेशन राइट तो बहुत सारी चीज़ें हमारी पॉजिटिव हो सकती हैं अगर एक डिसेंट करेक्शन आता है ऑयल में तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है तो इसलिए ये नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ठीक है अगर हम एक थोड़ा मीडियम टर्म में मार्केट को देखें आरबीआई का एक बुलेटिन आया उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई है कि अगेन दे अगेन बहुत बात हो रही है बजट में भी इस बारे में बात हुई है कि डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रहा है बैंकिंग में बहुत सारी इस चीज को कोई माना जा रहा है कि कोई कह रहा है कि भाई ये रीजन इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स कोई कोई रीजन दे रहा है कोई कह रहा है कि नहीं स्मॉल सेविंग्स में भी बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है कोई ये बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट जो है अभी जो डायरेक्टली अकाउंट आरबीआई के साथ खोल रही है काफी सारी गवर्नमेंट्स को अलाउ किया है एंड वो बैंक्स के साथ नहीं खोल रही तो गवर्नमेंट का पैसा जो पहले बैंक्स में रहता था वो नहीं है तो डिपॉजिट्स ओवरऑल वट एवर हैज़ बीन द रीजन डिपॉजिट ग्रोथ हैज़ नॉट बीन मैचिंग द क्रेडिट ग्रोथ अभी भी जो लेटेस्ट नंबर आया है क्रेडिट ग्रोथ अराउंड थर्टीन है ठीक है और एक बार बीस तक पहुँच गई थी अगर एक दो महीने पहले की जाए और डिपॉजिट ग्रोथ टेन तो ये जो गैप है कि डिपॉजिट नहीं बढ़ रहे हैं और क्रेडिट बढ़ रहा है मतलब लोन बैंक दे रहा है लेकिन पैसा जो मिल रहा है एफ और करंट अकाउंट और हमारे जो सेविंग्स अकाउंट से कासा रेशियो जो माना जाता है या डिपॉजिट माना जाता है वो इतना ज्यादा ग्रो नहीं हो रहा है तो अब वो फंडिंग का जो गैप है वो कैसे फिल होगा वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भाई मार्केट में जाना पड़ेगा ना मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा और वो ऑब्वियसली अब एफडीज वगैरह में तो छह सात परसेंट रिटर्न देकर काम चला सकते हो सेविंग्स अकाउंट में तीन परसेंट रिटर्न देकर चला सकते हो करंट अकाउंट में जीरो परसेंट देके आपको सस्ता पैसा मिलता है और आप उसमें लोन दे सकते हो लेकिन जब आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दोगे तो टिपिकली यू विल हैव टू पे मोर राइट और फिर आपका एन जो बोला नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे इम्पैक्ट आने वाला है और ये जो है एक्सपेक्टेड है कि ये होगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी अगर हम देखें राइट right? तो वो थ्री पॉइंट फोर ट्रिलियन रुपीस एफ में हुए हैं एज़ कम्पेयर टू 1.9 ट्रिलियन इन एफ आई ट्वेंटी थ्री राइट right? नहीं मतलब सॉरी ये जो मैं बता रहा हूँ नंबर ये नाइन्थ अगस्त तक का है इस फिनशियल ईयर में 3.5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से बैंक रेज कर चुका है जो कि ये सेम पीरियड में 1.9 ट्रिलियन था लास्ट राइट right? तो ऑलमोस्ट लाइक डबल ठीक है तो पैसा बैंक कोई डिपॉजिट नहीं मिल रहा तो बैंक कहाँ से जाएगा मार्केट में जाएगा भाई पैसा दो तो वो बट उसमें इंटरेस्ट रेट दे विल हैव टू पे मोर अब उसकी वजह से अगर उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा और लोन ज़्यादा आप इंटरेस्ट बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो तो भाई आपके गवर्नमेंट रील्स वगैरह के हिसाब से चलता है तो वहां पर ज्यादा स्कोप नहीं होता है टिपिकली तो एन जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ठीक है तो उस पर इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा बहुत हो सकता है गवर्नमेंट का आपको ये समझना मतलब सॉरी बैंकस का ठीक है तो दैट्स व्हाट द आरबीआई बुलेटिन वाज सेइंग ठीक है दूसरा जो आर बुलेटिन जो आया उसमें एक और चीज़ बताई कि प्राइवेट केपेक्स पैक्स पर थोड़ा सा उन्होंने ध्यान दिया उन्होंने कहा कि भाई प्राइवेट केपेक्स बड़ा हो सकता है जिसकी अगेन काफ़ी बात चलती रहती है कि केपेक्स गवर्नमेंट कर रही है प्राइवेट प्लेयर्स इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं और जो ग्रोथ आ रही है ठीक है वो टिपिकली गवर्नमेंट केपेक्स की वजह से आ रही है ये बार बार बात होती है तो अब जो है ये बात मतलब एटलीस्ट इन्होंने बोला है कि भाई प्राइवेट केपेक्स में एक चीज़ें इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है टू ट्रिलियन रुपीज़ एफ वाई ट्वेंटी फाइव में एक्सपेक्टेड है कि प्राइवेट कंपनी केपैक्स करेंगे ढाई लाख करोड़ के आसपास जो कि लास्ट ईयर अराउंड वन पॉइंट सिक्स लाख करोड़ था तो एक काफ़ी बड़ा एक अपटिक मतलब आर बी आई इज एक्सपेक्टिंग इन प्राइवेट के सो दैट इज अ वेरी वरी गुड साइन क्योंकि गवर्नमेंट इवन इन द बजट राइट द फाइनेंस मिनिस्टर सेड कि भाई हम केपैक्स अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर नहीं सकते हैं तो प्राइवेट प्लेयर हैज टू अगर नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ हमें चाहिए तो प्राइवेट कंपनीज हैव टू स्टार्ट doing केपेक्स टू टेक द जी डी पी टू द नेक्स्ट लेवल ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है फूड इन्फ्लेशन पे अगेन आर बी आई के बुलेटिन पर काफ़ी अगेन फोकस उन्होंने किया है और उन्होंने ये चीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनाया है कि भाई इंडिया में फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्लाइमेट शॉक्स की वजह से राइट right? स्पेशली uh, और उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है और उन्होंने बोला है कि ये जो फूड इन्फ्लेशन है ये नॉन फूड प्राइस को भी इम्पैक्ट कर सकता है ठीक है तो वो भी एक फैक्टर है जो आर बी आई इज लिटिल कंसर्नड अबाउट एंड दैट्स वाई मतलब उन्होंने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी में मतलब दैट्स वॉट दे कि फूड इन्फ्लेशन नॉट जस्ट ओवरऑल सी पी आई डब्लू पी आई फूड इन्फ्लेशन एज ए फैक्टर को ज़्यादा वेटेज देने की मतलब बात चल रही है या लग रहा है कि वो दे रहे हैं ठीक है और उसके हिसाब से ही हमारी मॉनिटरी पॉलिसी और हमारे इंटरेस्ट रेट कट्स हो सकते हैं या होंगे तो भी एटलीस्ट विद गुड मानसून दिस टाइम एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा कूल cool डाउन होगा फूड इन्फ्लेशन लेट सी हाउ इट गोस राइट right? अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे आते हैं दो तीन ही न्यूज है ज्यादा नहीं है एज एड रिजल्ट कम्पलीट हो गए हैं तो अभी जो जो न्यूज है वो आपको बता देता हूँ एक तो इंदस इंड बैंक को आर से अप्रूवल मिल गया है म्यूचुअल फंड बिजनेस सेटअप करने का तो नाउ वन मोर म्यूचुअल फंड हाउसेज मे कम विद इंदस इंड बैंक राइट तो उनको वो नाउ दे आर प्लानिंग टू सेटअप है म्यूचुअल फंड हाउस राइट सेकेंड न्यूज जो है जोमैटो में एक ब्लॉक डील का एक्सपेक्टेड है मतलब एज पर सी एन बी सी तो दे आर एंड फिन सिंगापुर जो कि एक शेयर होल्डर हैं विथ 4.24 स्टेक करंटली इन जोमेटो, 4.24 परसेंट स्टेक दे आर प्लानिंग टू सेल 1.54 परसेंट स्टेक आउट ऑफ इट एज ए ब्लॉक डील, ठीक है Zomato, stake, D, और ऑलमोस्ट उनको 408 मिलियन डॉलर्स का एक्सपेक्टेड है मतलब साढ़े तीन सौ करोड़ या साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए के आसपास ठीक है तो 251 फिफ्टी वन Uh, रुपीज uh, पर शेयर पे ये जो डील है ये फिक्स हुई है राइट टाटा मोटर्स हैज सेट की जो डीवीआर शेयर जो शेयर रहते हैं ना टाटा मोटर्स डीवीआर के एक शेयर होते हैं जो आप खरीद सकते हो बेच सकते हो राइट right? तो वो जो है नाउ दे आर एग्जिटिंग वो उन्होंने अब बोला कि भाई फर्स्ट सेप्टेम्बर इज द रिकॉर्ड डेट शेयर होल्डर जिनको अभी डीवीर का स्वैप मिलेगा तो फर्स्ट सितंबर को जो शेयर होल्डर होंगे उनको वो स्वैप रेट के हिसाब से डीवीआर के शेयर्स मिलेंगे ऑफ टाटा मोटर्स एज पर द इनिशियल जो पहले उनका नोटिफिकेशन आया था डीवीआर के ऊपर राइट सो दिस इज ऑल मेजर मेजर न्यूज फॉर टूडेज मार्केट अब आपको बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की एक इंटरेस्टिंग डेटा है बैंक ऑफ अमेरिका का ठीक है तो एटीन मस्ट नो स्टैट्स फॉर इन्वेस्टर ठीक है इन्होंने टाइटल्ड इट बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स है राइट तो काफी ग्लोबली जब हम बात करते हैं तो हम काफ़ी बार ये नंबर्स पता नहीं होते हमें काफ़ी बार ठीक है तो इट्स गुड टू नो नंबर्स कुछ इससे कुछ होना नहीं तो है बट गुड टू नो इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं तो आई थॉट आई शेयर कि जितने भी ग्लोबल बॉन्ड्स हैं और स्टॉक्स हैं वर्ल्ड में कितने स्टॉक्स हैं कितने तो उसी सबकी वैल्यू कितनी है राइट 255 ट्रिलियन डॉलर्स सारे स्टॉक्स और सारे बॉन्ड जो इशूड हैं करंटली हैं वर्ल्ड में नॉट यूएस वर्ल्ड में उनकी वैल्यू 255 ट्रिलियन डॉलर है और ये कितना बढ़ गया है ये 2.5 एक्स हो गया है 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से ठीक है 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था आ, लेमन ब्रदर क्राइसिस जो हुआ था तो उसके बाद ये ढाई गुना बढ़ गया है तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ठीक है तो मोटा मोटा मुझे लगता है कि हंड्रेड ट्रिलियन डॉलर था उस टाइम अब टू पॉइंट टू फिफ्टी फाइव ट्रिलियन डॉलर मोटा मोटा हो गया स्ट्रीट uh, जो है ठीक है जो स्टॉक मार्केट है यूएस की वो सिक्स एक्स बढ़ गई है और जी भी सिक्स एक्स बढ़ी है यूएस की ठीक है तो टू थाउजेंड एट फाइनेंशियल क्राइसिस से थ्री हंड्रेड थ्री 313 हंड्रेड थर्टीन ट्रिलियन साइज ऑफ ग्लोबल डेट नाउ ओवर थ्री एक्स द वैल्यू ऑफ ग्लोबल जी ठीक है ग्लोबल डेट जो है ठीक है वर्ल्ड में जो डेट है तो मतलब चाहे किसी का भी गवर्नमेंट का डेट हो प्राइवेट डेट हो ठीक है जो लोगों ने लोन लिए हुए हैं थ्री हंड्रेड थ्री थर्टीन ट्रिलियन डॉलर लोगों को देने हैं किसको देने हैं वो मत पूछो किसको देने हैं ऑफकोर्स एक दूसरे को ही देने हैं किसी को बैंक को देने हैं ठीक है एक एक कंट्री को दूसरे कंट्री को देने उसको भी दूसरे कंट्री को देने हैं तो वैसा ही होता है थ्री हंड्रेड थर्टीन ट्रिलियन डॉलर का डेट है वर्ल्ड में ठीक है जो कि थ्री एक्स है वर्ल्ड की ओवरऑल जीडीपी तो जीडीपी जो है वो अराउंड हंड्रेड ट्रिलियन डॉलर के आसपास की है वर्ल्ड में टोटल जीडीपी इंडिया की कितनी है अराउंड थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट सिक्स राइट तो फोर ट्रिलियन के आसपास है अभी थ्री पॉइंट है वर्ल्ड में ओवरऑल हंड्रेड ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है यूएस इज ट्वेंटी ट्वेंटी ट्रिलियन के आसपास चाइना इज आई थिंकटीन सेवनटीन ट्रिलियन के आसपास तो ओवरऑल वर्ल्ड ऐसे सौ ट्रिलियन डॉलर की जी डी पी है लेकिन डेट जो है वो तीन सौ तेरह ट्रिलियन डॉलर का है हाँ अब वैल्यू ऑफ ग्लोबल डेट विद नेगेटिव वील्ड राइट जब तक यूएस वगैरह में मतलब स्पेशली जापान ने क्रिएट किया हुआ था कि काफी ज्यादा ऐसा डेट था जो कि नेगेटिव वील्ड थी मतलब पैसे मिलते थे राइट <laughs> right? बट अभी उसकी वैल्यू जीरो है डाउन फ्रॉम 18 ट्रिलियन डॉलर पीक था 2020 में ऐसे डेट था जिसमें नेगेटिव ही थी 100 डेज यूएस गवर्नमेंट डेट करंटली राइजिंग बाय 1 ट्रिलियन एवरी 100 डेज यूएस गवर्नमेंट का डेट बढ़ रहा है लगातार कितना डेट है वहाँ पर भी थर्टी फोर ट्रिलियन डॉलर का डेट हो गया ऑलमोस्ट राइट तो वन ट्रिलियन डॉलर का डेट हंड्रेड डेज में गवर्नमेंट बढ़ा रही है वहाँ पे यूएस अकाउंट्स फॉर फोर्टी फोर परसेंट ऑफ ग्लोबल गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट 65 परसेंट ऑफ ग्लोबल इक्विटी मार्केट ग्लोबल इक्विटी मार्केट का 65 परसेंट यूनाइटेड स्टेट्स है 65 परसेंट एक कंट्री है और 44 परसेंट गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट का है तो मतलब द पावर राइट कितना बड़ा वो पावर कितना ज्यादा है उनके पास चाइना सेकेंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट मार्केट इज फोर्टीन और जापान जो सेकेंड लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट है वो बारह पे है ठीक है तो सिक्सटी और नेक्स्ट इज बारह बैंक ऑफ जापान ओन्स क्लोज टू हाफ ऑफ ऑल स्टैंडिंग जे जी बीस अप फ्रॉम एट परसेंट ऑन टू थाउजेंड एट फिफ्टी फोर परसेंट पीक टू ट्रफ लॉस इन यू एस थर्टी ईयर ट्रेजरी बॉन्ड ओवर लास्ट फोर फोर ईयर्स राइट टू थाउजेंड चल फटाफट और कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ट्वेंटी ट्वेंटीज टॉप परफॉर्मिंग एसेट यूएस टॉप फोर्टीन परसेंट पराना कमोडिटी बारह परसेंट गोल्ड ग्यारह परसेंट ट्वेंटी ट्वेंटीज में वन ट्वेंटी फाइव ट्रिलियन डॉलर ग्लोबल स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्लोबल जो सारे स्टॉक मार्केट सिर्फ स्टॉक मार्केट यहाँ पर टू फाइव टू टू फिफ्टी फाइव ट्रिलियन जो है बॉन्ड प्लस स्टॉक्स है सिर्फ स्टॉक्स वन ट्वेंटी फाइव ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है हंड्रेड ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है वर्ल्ड की वन ट्रिलियन डॉलर की स्टॉक्स है फोर हुआ है जीएफसी लोज और टू से राइट ट्वेंटी परसेंट यूरोप एंड जापान कंबाइंड शेयर ऑफ ग्लोबल इक्विटी मार्केट 20% परसेंट यूरोप की मार्केट और जापान की मार्केट मिला के बीस परसेंट है थर्टी नाइन परसेंट थे दो हजार आठ में बीस परसेंट हो गए एट्टी वन परसेंट एस शेयर ऑफ नाइन ट्रिलियन मार्केट कैप ऑफ ग्लोबल टैक्स सेक्टर ग्लोबल टैक्स सेक्टर मेंसेंट यूएस है राइट टेन पॉइंट फोर ट्रिलियन मार्केट कैप गेन ऑफ मैग्निफिसेंट सेवन इन लास्ट एटीन मंथ्स 27 टॉप फाइव स्टॉक्स ऑफ एस एन पी फाइव हंड्रेड मार्केट का एस एन पी फाइव हंड्रेड के पांच स्टॉक टॉप वो सत्ताईस परसेंट का वेट है और ये 18 परसेंट थे डॉट कॉम बबल की पीक पे क्या ये बबल है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है राइट वर्ल्ड लार्जेस्ट जो ई टी एफ है एस पी वाई उसका फाइव फोर्टी फोर बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है फिफ्टी एट बिलियन डॉलर था टू थाउजेंड फोर में चाइना चार साल में टेन पॉइंट फोर परसेंट का एनुअल रिटर्न रहा है चाइना इक्विटी का वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स इंडियन इक्विटी लास्ट बीस साल में ट्वेल्व पॉइंट थ्री परसेंट का एनुअलाइज रिटर्न रहा है बेस्ट परफार्मिंग इंडेक्स बेस्ट परफार्मिंग इंडेक्स ओके एंड दिस इज अ डॉलर टर्म्स राइट सो इंटरेस्टिंग नंबर सेट नंबर्स का कुछ यूज नहीं है बट काफी बार आता है ना यह क्वेश्चन की कितनी बड़ी यार वर्ल्ड में सारे स्टॉक्स मार्केट कितनी बड़ी है तो वन ट्रिलियन डॉलर की ठीक है थीके? तो कभी कितना टोटल डेट कितना है वर्ल्ड का थ्री हंड्रेड तेर, तीन सौ तेरह ट्रिलियन डॉलर का टोटल जीडीपी वर्ल्ड की कितनी है हंड्रेड ट्रिलियन डॉलर के आसपास की, की वर्ल्ड की सारे मिला के सारे कंट्रीज़ की जी है तो ये कुछ नंबर्स हैं जो काफ़ी सारे दिमाग में आते हैं कई बार राइट यू का कितना शेयर है राइट मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई यू जो है इतना बड़ा सिक्सटी ग्लोबल इक्विटी मार्केट सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की है राइट तो 125 ट्रिलियन में से 65 परसेंट तो यूएस डॉलर यू है तो विच इज़ वेरी वेरी हाई डिपेंडेंस राइट सो ये सारे इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं तो आई थॉट आई शेयर दिस विद यू अगेन नथिंग विच वी कैन डू बट इंटरेस्टिंग ए गुड टू हैव गुड नॉलेज टू नो राइट दैट इज ऑल आई हैव अगर अच्छा लगता है वीडियो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो शेयर ऑफ अगर आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ दैट विल भी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस थैंक यू सो मच हैव ए ग्रेड टाइम हैड दोस्तों जय हिंद